अगर आप इस बात का जवाब दे, ऋषि एक सवाल ये भी उठता है कि इसकी पृष्ठभूमि ये महाठग है, खुद ही कौन मान है, लोगों को ठगा इसने। अगर इस तरह की पृष्ठभूमि का आदमी कोई आरोप लगाता है तो उसकी लीगल सेंटिटी क्या है, मतलब उसको क्या लीगली सीरियसली लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि महाठग पर भरोसा है इन लोगों को और मेरे पर नहीं, वो तो चुने मुख्यमंत्री है भाई। नहीं देखिए, इसमें एक बहुत क्लियर बात है कि ये सुकेश ने जो आरोप लगाया सत्येंद्र जैन से, उससे पहले उसने ये भी बोला था कि जैकलिन फर्नांडिस को इसने 8 करोड़ रुपया के गिफ्ट दिए थे। तो आपने सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जैकलिन फर्नांडिस को 4-5 बार बुलाया, उसकी पूरी तफ्तीश की। नूरा फतेही को बुलाया गया था इसी मामले में, उसकी तफ्तीश की। एक और हीरोइन को बुलाया गया था, उसकी तफ्तीश की। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुकेश कुमार कोई बहुत हरिश्चंद्र है, राजा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रूफ रहे हैं आप उसकी जांच कीजिए। अगर अगर उसमें से वो गलत निकलता है तो चैप्टर क्लोज कर दीजिए, अगर ठीक, गलत नहीं निकलता, उसके जो प्रूफ अगर राइट निकलते हैं तो जो भी कार्रवाई करनी है वो कीजिए। अगर उसके सबूत तो देख लीजिए, उसको आउटराइटली आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो उसने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट बोला है, ये तो बात सही नहीं है। क्योंकि जब आप जैकलिन को बुला सकते हो, नोरा फतेही को बुला सकते हो, उससे तफ्तीश कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, जिस उसके आप प्रूफ देख लीजिए। दूसरी बात, मेरे जो कांग्रेस के मित्र यहाँ पर बैठे हुए वो ये बात बोल रहे हैं कि भाजपा बुरी तरह से डर गई है, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल जी 25 दिन से केरला में है, 10 दिन से तेलंगाना में है, और वो गुजरात जहां पर इलेक्शन होने की होना होना है वहां पर वो आ ही नहीं रहे हैं, वो एकदम उसको अवॉइड कर रहे हैं। और वो तेलंगाना में अभी हमने देखा उनका बाईपोल का रिजल्ट, 10 दिन की पूरी कैंपेनिंग ऋषि करने के आप भी बाद फिर ना, उनका वोट शेयर 50 से 10% आ गया, आप भी अस्सी ऋषि प्रतिशत भाई, वोट शेयर गायब हो गया। आप भी तो पता नहीं क्या बात कैसी कर बातें रहे हैं, करते हैं ऋषि और भाई, बात कर रहे हैं आपकी आप लर्नेड आपकी आप आदमी बात कर हैं। रहे हो हरियाणा में, सर मैं कंप्लीट कर लूं, अच्छा सर हरियाणा की प्लीज, बात कर रहे हो तो हरियाणा का भी बाईपोल हुआ था, वहां पर दो दो चीफ मिनिस्टर, एक आपके अरविंद केजरीवाल और आपके भगवंत सिंह मान जी, दोनों ने कैंपेन किया, रोड शो किया, बड़ी बड़ी बातें की, क्या हुआ, 2% वोट शेयर आया, भाजपा का 57% वोट शेयर आया। तो भाई आप लोग बातें तो करते हो लेकिन ग्राउंड में रिजल्ट नहीं आता है ना, ग्राउंड में तो आप कैंपेन ही नहीं कर रहे हो, ऋषि बात, गुजरात में एक आप बात जाते से ही नहीं हो, इत्तेफाक नहीं रखता मैं डर लग रहा आपकी है आपको गुजरात में जाने में। ऋषि तो भाई, आप इतने लर्नेड आदमी हैं फिर भी ये सवाल ये पूछ रहे हैं। चुनाव होगा वहां पर आप कैंपेन कीजिए ना, आप कैंपेन ही नहीं कर रहे हो। ऋषि आप इतने लर्नेड आदमी हैं फिर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। अब भी कोई जवाब बचा है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में क्यों नहीं नजर आ रही है? जवाब मिला ना, तेलंगाना में नजर आई तो क्या हाल हुआ? अब भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं नजर आ रही भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में? उसका जवाब तो मिल गया ना, अभी तेलंगाना में 10 दिनों तेलंगाना के उपचुनाव में क्या हाल हुआ, तो अब जवाब मिल गया कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में क्यों नहीं नजर आ रही। बहरा